हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल सेट्स। सो दोस्तों, यहाँ पे आज हमने बहुत ही एक टाइनी सा प्रोजेक्ट बनाया है, एक छोटा प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन बिल्कुल कोशिश हमने की है कि चीजों को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से रखा जाए। तो यहाँ पे आज जो हमने प्लान लिया है, ये प्लान का साइज है 20x18। तो 20x18 का ये प्लान है, और जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमने लिविंग एरिया प्लस किचन तो कंबाइंड रखा है, जिसमें लिविंग का साइज हमने 8x8 रखा है और किचन का साइज भी 8x8 रखा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो यहां से बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से थोड़ा वाइड लग रहा है, जस्ट बिकॉज कि हमने दोनों को कंबाइन किया है, किसी तरह का पार्टीशन हमने नहीं दिया है। तो यहाँ पे वेटिंग में आप देख सकते हैं, हमने सोफा और वॉल के ऊपर बड़ी सी पेंटिंग रखी है ताकि एरिया काफी वाइड नजर आए। इसी तरीके से अगर हम यहां से एंट्री करते हैं और बेडरूम में देखते हैं, तो बेडरूम का साइज हमने रखा है 10x12। देखने में ये बिल्कुल आपको स्पेशियस लगेगा, जहां पे सारी चीजें आप वॉल पे पेंटिंग देख सकते हैं, मतलब चीजों को इस तरह से डेकोरेट किया गया है कि साइज छोटा ना लगे। और यहाँ पे एक टेबल भी हमने रखी है, जहां पे आप अपना ऑफिस वर्क या फिर जो भी आप कंप्यूटर पे वर्क करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। टेबल हमने रखी है, सामने आप बेडरूम में टीवी देख सकते हैं, और इसके साथ में अटैच हमने बाथरूम रखा है। तो देखने में बाथरूम का जो टॉप व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, तो यहां से आप देख सकते हैं, और साइज हमने रखा है यहां पे, मतलब कंजेस्टेड है थोड़ा सा यहां पे, 4x4। तो इस तरह से यहां पे बाथरूम है, और इसमें कोशिश की है हमने हर चीजों को ऐड करने की। इसके अलावा अगर आप बगल में देखेंगे तो यहां पे 4x4 का क्लोजेट लिया है, जिसमें 4x2 के साइज की अलमीरा भी हमने रखी है, जहां पे आप अपना सामान वगैरह सारी चीजें प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि जो साइज है हमारा वो बहुत ज्यादा नहीं है इस प्रोजेक्ट का, सिर्फ 20x18 के साइज में। आप टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने पैनल्स यूज किए हैं यहाँ पे। तो कोशिश हमने की है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हम चीजों को सिस्टमैटिक रख पाए, और इसी तरह के यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।